खरगोन जिले के ग्राम बनहर में संगठन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का जन्मोत्सव मनाया। संगठन ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए दो दो व्यक्तियों ने फुले जी को माल्यार्पण कर उनके विचारों पर चलने का संकल्प लिया। संगठन कार्यकारी जिलाध्यक्ष रोहित मनागरे ने कहा कि ग्राम बनहर में पहली बार फुले जयंती मनाई गई और फुले जी का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। फुले जी का बचपन कठिनाइयों भरा रहा और 7 साल की उम्र में ही उनकी मां का देहांत हो गया था। फुले जी को बचपन में छुआछूत जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फुले जी 19वीं सदी के महान समाज सुधारकों में से एक हैं। उन्होंने समाज की कुरीतियों को खत्म करने के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया और उन्हीं को गुरु मानते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी देश में व्याप्त कुरीतियों को खत्म करने का भरपूर प्रयास किया और उनका प्रयास सफल भी रहा। साथ ही दीपक भालसे तहसील अध्यक्ष द्वारा आने वाली 14 अप्रैल को लॉकडाउन में भी किस तरह ऐतिहासिक रूप से मनाया जाए उस पर चर्चा की और ग्राम के सभी समाज के लोगों को 14 अप्रैल को शाम 7:30 बजे अपने अपने घरों में दीपक जलाकर प्रकाश उत्सव के रूप में अंबेडकर जयंती मनाने की बात कही। बनहर से धनराज मनागरे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, वो 19वीं सदी के महान समाज सुधारकों में जाने जाते हैं। साथ ही उन्होंने बचपन से ही बहुत संघर्ष किया। मात्र 7 साल की उम्र में उनकी माँ का देहांत हो गया था और इनके पालन पोषण के लिए पिताजी ने दूसरी शादी नहीं की। पिताजी का हाथ, पिताजी की कृषक थे, उनका हाथ बटाने के लिए उनका सहयोग करते थे। स्कूल जाना बंद कर दिया लेकिन ये घर पे ही पुस्तकें पढ़ा करते थे और इनकी पढ़ाई में रुचि और इनकी जो बातें, अच्छी बातों को देख करके ग्रामवासियों ने उनके सहयोग किया और ऊपर आगे की पढ़ाई की। और जब इनकी शादी हुई तो शादी के बाद भी इनकी पत्नी भी अनपढ़ थी, जिनका नाम था सावित्रीबाई फुले। उनको भी उन्होंने उस समय क्या था, शिक्षा का महिलाओं को अधिकार नहीं था, लेकिन उन्होंने महिला शिक्षा पर जोर दिया और अपनी पत्नी को भी पढ़ाया और 1848 में उन्होंने पहला स्कूल खोला और वो रूढ़िवादी व्यवस्था को खत्म करने का निरंतर प्रयास करते रहे। वैसे तो इनके बारे में बोले तो दिन भर कम पड़ जाएगा, लेकिन खास खास जो मोटी मोटी जानकारी थी मैंने आप लोगों को बताई और वैसे आप सभी जानते हो। एक बार फिर ज्योतिबा फुले को सत्सत नमन करता हूँ और आप सभी से निवेदन है कि आप ज्योतिबा फुले बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों पर चले। और जय ज्योतिबा। जी सर, आपका नाम? रोहित मनागरे, निरंतर भलाई समाज सेवा संगठन, कार्यकारी जिला अध्यक्ष खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।